नमस्कार, डेली डेरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। टीम आरजीएस द्वारा व्यापारियों और पत्रकारों की आरजीएस सकारात्मक बैठक की दूसरी श्रृंखला का आगाज 27 अगस्त को कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी नई अनाज मंडी नजफगढ़ में आयोजित होने के साथ ही देश के 22 राज्यों में बैठकें शुरू हो गई है। बैठक का संयोजन आरजीएस स्टार और मंडी के व्यापारी अशोक कुमार गोयल द्वारा किया गया। बैठक का शुभारंभ हाल ही में दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कुलदीप नैयर और स्थानीय व्यापारी देवेंद्र कुमार शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पच्छिन्नों पर, कोई खुद पच्छिन्न बनाता है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध लेखक एवं निर्भीक पत्रकार कुलदीप नैयर जी के बारे में। इनका जन्म 14 अगस्त 1924 सियालकोट में हुआ, जो पाकिस्तान में है। स्कूली शिक्षा भी सियालकोट से हुई, पत्रकारिता सीखने यूएसए गए। करियर की शुरुआत में नायर एक उर्दू प्रेस रिपोर्टर थे, वो दिल्ली के समाचार पत्र द स्टेटमेंट के संपादक थे। बैठक में मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री देवेंद्र शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आरजीएस के सभी पदाधिकारियों एवं व्यापारियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के दयालु व्यक्ति थे। उनकी दैनिक दिनचर्या पक्षियों को दाना डालना, कुत्तों तथा गायों को रोटी खिलाने से शुरू होती थी। वे अनेकों समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़े हुए थे, जिनमें मानव कल्याण समिति, लोहाना सोनीपत की संस्था जो कि गरीब लड़कियों की शादी कराते थे तथा बेसहारा व्यक्तियों को सहारा देते थे। ऐसी संस्थाओं में वे बढ़ चढ़ कर दान खुले दिल से करते थे। आपका जो राम ज्ञान की संस्थान है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हमने कई दफ़े नहीं की है बीच में, लेकिन आज मौका मिला है इसमें शामिल होने से, ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। और कुछ सारी बात को मिला के मैं आपको एक वायदा करता हूँ कि हमारी मंडी से इस संस्था के मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके बनाएंगे और आपके पूरे काम को हम व्यापारियों के बीच में एक संस्कार को देने का, पॉजिटिविटी डेवलप करने का कार्यक्रम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है। मैं समझता हूँ व्यापारी को एक कुल मिलाकर ही माना जाता है कि ये उद्यमी है, एक मशीन है काम करने की। और वैचारिक स्तर पर बहुत कम होता है कि कोई संगोष्ठी इस प्रकार की व्यापारी के बीच में, पत्रकारों के बीच में, वकीलों के बीच में, अध्यापकों के बीच में, ओपिनियन मेकर्स ऑफ द सोसाइटी जिनको ऐसा माना जाता है, उनके बीच में तो बहुत सारे विषयों पर गोष्ठियाँ होती हैं। लेकिन व्यापारी वो भी आरती अनाज मंडी के, उनके बीच में ये बैठक रखना, ये भी अपने आप ही मैं मानता हूँ कि बहुत सकारात्मक है। यहाँ के कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष जी जो हैं उनसे हम बात करेंगे। आज की ये मीटिंग सकारात्मक सोच के ऊपर रखी गई थी, उसमें उनकी क्या राय है, वो इस विषय पर क्या कहना है? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सकारात्मक सोच जो है वो होनी चाहिए, और जब तक हम सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि जो आरजीएस है, इनकी बैठक हमने आज पहली बार अटेंड करी है, हमने इनकी बातें सारी ठीक लगी कि आदमी की सोच सकारात्मक होनी चाहिए। और हम जो है अपनी मंडी को और अपने जो भी शहर है सबको यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो आगे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और नकारात्मक में उठे बैठे भी नहीं। मैं जसवीर शौकीन, अनाज मंडी में जो आज आपका प्रोग्राम था बहुत ही सराहनीय रहा, सभी व्यापारी भाइयों ने अच्छी तरह से सुना और शपथ लेके गए हैं कि आगे आने वाले टाइम में आज से हम शपथ लेते हैं कि सकारात्मक सोच के साथ अपने शहर और अपने भारत का नाम रोशन करेंगे। मैं अशोक कुमार गोयल आरजेएस में, और ये मैं सोचता हूँ कि आरजेएस और भी अच्छी आगे तरक्की करते हैं। मैं 3 साल से आरजेएस से जुड़ा हुआ था। हम सकारात्मक आगे रास्ते पर चल कर ही अपने देश का विकास कर सकते हैं, और इसी में हम सभी प्रयास करते हैं। और हमारी जो है
हमारे प्रयास हमें सफलता की ओर निश्चित ही। सबसे पहले तो कृषि उपज विपणन समिति के चेयरमैन नरेश शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनकी सकारात्मक सोच के चलते नई अनाज मंडी नजफगढ़ नई दिल्ली में ये बैठक संभव हुआ है और इस बैठक का संयोजन किया है इसी अनाज मंडी के व्यापारी अशोक गोयल जी, जो कि काफ़ी समय से आरजीएस से जुड़े रहे हैं, हमारे आरजीएस स्टार हैं। अभी 12 अगस्त को इनको आरजीएस स्टार फैमिली का दर्जा दिया गया था। सबसे बड़ी बात हमारी जो नकारात्मकता है वो कई समस्याओं की जड़ है, वो हर क्षेत्र में है, केवल व्यापार ही नहीं, हमारे हर फील्ड में सकारात्मकता की शक्ति अगर जाग जाए तो भारत विश्व गुरु बन सकता है। और इसके लिए लगभग 20 राज्यों में आरजे सकारात्मक बैठक 27 अगस्त 2018 नई अनाज मंडी नजफगढ़ से शुरू हो गई है। ये हमारे पत्रकार भाई और समाज सेवी 20 राज्यों में ये सकारात्मक बैठकें करेंगे और इसके लिए एक प्रारूप है कि उसमें स्थानीय स्तर पर 2-3 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने सकारात्मक कार्य किया। वो आज दुनिया में नहीं है लेकिन उनके सकारात्मक कार्यों को हम लोग याद करेंगे और एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व को लेंगे जिनके सकारात्मक कार्यों से भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्तित्व को लेकर ये सकारात्मक बैठक अब 20 राज्यों में शुरू होने वाली है। मेरा नाम ओंकार कुमार पांडे हुआ, मैं डेली लाइव न्यूज़ का एक रिपोर्टर हूँ। आज 27 अगस्त को नजफगढ़ में न्यू अनाज मंडी में आरजीएस की तरफ से व्यापारियों के लिए सकारात्मक बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें आरजीएस के संयोजक श्रीमान उदय मन्ना जी ने व्यापारियों के लिए किस तरह सकारात्मक सोच को लेकर वो अपने व्यापार को कर सकते हैं ताकि देश की उन्नति हो, उस मुद्दे पर आज यहाँ पे बातचीत हुई। बैठक का आयोजन राम जानकी संस्थान आरजीएस द्वारा किया गया। इस तरह की सकारात्मक बैठकें विभिन्न क्षेत्र के लोगों के साथ आरजीएस मीडियाकर्मी और समाज सेवी पूरे देश में 31 दिसंबर 2018 तक करने जा रहे हैं, जो सकारात्मक भारत का सपना साकार करने में योगदान देंगे। आरजीएस स्टार मीडिया डेली डायरी न्यूज की रिपोर्ट।